तो लास्ट सेक्शन 10EE हो गई 10EE अपना लोगों को प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 26 हो से अपने पेज नंबर 68 एक क्वेश्चन तो अपना लोगों के निजे सोच कर लेंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हमको देना है। आप लोग को हम एक वर्ड फाइल शेयर करेगा भाई, या आप लोग का पास सबका पास लैपटॉप या मोबाइल है, गूगल डॉक्स होगा, गूगल डॉक्स में आप लोग को आंसर खाली सॉल्व करना है। इसको आप लोग को कॉपी पेस्ट करके आप लोग का पेपर में आपको पेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसका आंसर आप लोग टाइप करके शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का एक एक जन का आंसर अलग अलग होगा, खुद का चेंज करके आप लोग दे दीजिए हमको, ठीक है। सभी क्या है, आप लोगों का सैलरी का डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा नहीं था। पहले हम लोग ने क्या किया था, सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट होगा वो डिस्कस कर लिया हम लोग ने। तो सैलरी का डेफिनेशन किधर था, पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि पहले हम लोग को डेफिनेशन चाहिए। विदाउट डेफिनेशन हम लोग किसी भी चीज को चार्ज नहीं करेंगे। तो पहले यहाँ का सैलरी का डेफिनेशन कहा, कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 15, सेक्शन 15 क्या बोलता है, चार्ज। सेक्शन 16 बोलता है डिडक्शंस, और सेक्शन 17 बोलता है डेफिनेशंस का बारे में। तो सेक्शन 17 का डेफिनेशंस में पहला बात है, आप लोगों का पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 89 में आना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, किस किस को करेगा, वेजेस को करेगा, वेजेस को इंक्लूड करेगा, एन्युइटी और पेंशन। एन्युइटी और पेंशन, एन्युइटी मतलब क्या हो गया, साल में आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो वो हो गया एन्युइटी रिटायरमेंट के बाद में। पेंशन वो भी कब मिल रहा है आपको, रिटायरमेंट के बाद में। रिटायरमेंट हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है बोल के आप पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं देगा, नहीं होगा। मतलब पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा, किसका हेड में लगेगा, सैलरी का हेड में लगेगा। फिर एनी फीस, कोई भी फीस आपको कहां से मिल रहा है, एम्प्लॉयर से मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, परक्विजिट और प्रॉफिट इन लियू ऑफ और इन एडिशन ऑफ सैलरी। सैलरी का और वेजेस का अलावा अगर आपको कोई भी फीस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है और प्रॉफिट का कोई भी एक परसेंटेज आपको मिल रहा है तो वो भी किधर आएगा, सैलरी में आएगा। और एडवांस सैलरी आपको अगर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एडवांस सैलरी मिल रहा है तो वो भी सैलरीज में आ जाएगा। तो अभी इसमें क्या बोला था, एडवांस सैलरी आपका सैलरी में इंक्लूड करना है। अभी मैंने क्या बोला, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, इसको भी क्या हम लोग सैलरी का अंडर में इसको टैक्स लगवाएगा, ये हम लोग कंफर्म हो गया। एडवांस सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 इसको सैलरी में इंक्लूड करना है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी, आपका सैलरी है 70,000 पर मंथ, आपने बोल दिया मेरा सैलरी का अगेंस्ट में आप हमको कुछ एक पैसा एडवांस में दे दो, लोन दो। एडवांस मतलब क्या, एडवांस अगेंस्ट मतलब क्या हो गया, आपको लोन दे दीजिए। तो इसको हम लोग सैलरी में इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, लोन है। ये लोन हम लोग क्या है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लीजिए आपने 10,000 का लोन लिया है, 10,000 का लोन जो लिया है ये कौन सा टाइप में आ गया, लोन का टाइप में आ गया। कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर को तो ये टैक्सेबल नहीं हो, लेकिन ये टैक्स कब लगेगा, ये 10,000 जब आप घुमा के देंगे, रिटर्न जब करेगा तब भी नहीं होने वाला है, लेकिन जब क्या होगा आपका ये 10,000 रुपया आपका सैलरी से जब डिडक्ट होगा मंथ वाइज, पकड़ लीजिए आपने रिटर्न नहीं किया है लेकिन आपका सैलरी का साथ सेट ऑफ होकर चला गया, पकड़ लीजिए आपको 70,000 देना था। ठीक है,
और आपने क्या कर रहे कि आप जो एडवांस हमको दिया है वो नेक्स्ट महीना से आप सेट ऑफ कर दीजिए। तो आपका हमने क्या बोला था कि इसका ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसको माइनस कर दिया तो मेरा पास कितना रह गया 60,000। तो टैक्स 60,000 के ऊपर लगेगा या 70,000 के ऊपर लगेगा? 70,000 के ऊपर लगेगा। जब हम अपना सैलरी से इस पैसा को सेट ऑफ करेगा उसी महीना में उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग कहाँ पे था, एडवांस सैलरी पॉइंट नंबर एफ में क्या बोला है, एनी पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव नॉट अवेल्ड। आपने क्या कर दिया, आपको साल में आपको लीव मिल रहा था, आपने क्या किया लीव अवेल नहीं किया है, उसके अगेंस्ट में जो भी आपको पेमेंट मिलता है वो भी क्या हो जाएगा, सैलरी में इंक्लूड होगा। फिर बाद में क्या हो गया, आपका आरपीएफ में कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है, आरपीएफ में कोई भी कंट्रीब्यूशन आरपीएफ से आपका पास ट्रांसफर होता है तो उसको भी हम लोग क्या करना है, सैलरी में लाना है। आरपीएफ क्या है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग को अभी देखना है आप लोग का बुक का पेज नंबर 92। ठीक है, सैलरी अलाउंस परक्विजिट डिडक्शन हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, इसमें प्रॉब्लम नहीं था आप लोग को। ठीक है, फिर डायरेक्ट आप लोग का क्या आ गया था कि आप लोग का पेज नंबर 93 में एक चीज दिया हुआ है, बेसिक सैलरी क्या है जो आपको डायरेक्टली मिल जाता है। फिर बाद में क्या है आप लोग का पेज का अलग अलग क्या हुआ, उसका अगर आपको खाली एग्जाम्पल दे दे रहे हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुक में आपका कितना है एग्जाम्पल में, 5,000-1,000-8,000-2,000 फिर 12,000, मतलब क्या हो गया आपको पहला बेसिक कितना है 5,000, ये इंक्रीमेंट कितना से होगा एवरी ईयर 1,000 तक होगा अप टू 8,000, फिर 8,000 के बाद 2,000 करके इंक्रीज होगा अप टू 12,000। डीएनएस अलाउंस आप लोगों को पता है जो डियर होगा कंपनी के लिए उसको डीएनएस अलाउंस मिलेगा, प्लीज कमीशन बोनस आप लोग को मिलता रहेगा, उसको सैलरी में लेना है। अच्छा, फिर बोनस का बारे में एक डिस्कस हुआ था, बोनस को हम लोग जब ड्यू होता है या एक्रू होता है तब लेना है या जब रिसीप्ट होता है तब लेना है। बोनस को हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि सैलरी को हम लोग को पकड़ना कब है, चार्ज कब करना है, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। तो मेरा बोनस ड्यू हो गया था और मेरा बोनस रिसीव हुआ है, दोनों में से कब हमको चूज करना है, बस कब उसको चार्ज करना है, बोनस को ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव करना है, ड्यू का बेसिस में नहीं जाना है। चलिए पेज नंबर 94 में क्या था आप लोग का, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब आप क्या हो गया सीनियर सिटीजन हो गया, सीनियर सिटीजन होने के बाद में आप क्या हो गया रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में आपको ये सब चीज कंपनी प्रोवाइड कर रहे, कंपनी क्या प्रोवाइड कर रहे, ग्रेच्युटी प्रोवाइड कर रहे। ग्रेच्युटी में क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिनिमम 5 साल काम करना रहेगा, फिर उसका बाद में ही आप क्या होता है कंटिन्यूअस काम करने का बाद में ही आपको ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होता है। तो ग्रेच्युटी में क्या बोल के रखा है, रिटायरमेंट का टाइम में अगर कोई भी आपको ग्रेच्युटी मिल जाता है, ये बेनिफिट किसका लिए है, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट होने का बाद में मिलता है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट का टाइम में ही ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल जाता है तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। फिर ग्रेच्युटी में एक चीज है कि ग्रेच्युटी का क्या है, एक्ट भी है, क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट होगा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, कोई भी एम्प्लॉई अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होगा तो उसको एक अलग से ट्रीट किया जाएगा, और अगर वो होगा में नहीं होगा, होगा में अंडर में उसका अगर नहीं गिर रहा है तो उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा। पहला बात है कि एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको मिल रहा है पैसा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। अभी क्या है, आपको रिटायरमेंट या डेथ का टाइम में पैसा मिल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट का टाइम में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग रिटायर हो गए, रिटायरमेंट में हमको क्या मिला, पैसा मिला है।
पैसा किस लिए मिला है? हम डिफेंस का मेंबर है, मतलब ये हम कहाँ है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर पैसा मिल रहा है, कब मिल रहा है? रिटायरमेंट का टाइम में। क्या मिल रहा है? ग्रेचुटी मिल रहा है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अभी हम कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सिविल सर्विस में काम कर रहे हैं, मतलब कौन है? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। फिर हमको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, इसका मतलब क्या? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होगा और वो रिटायरमेंट होने के बाद में उसको अगर ग्रेचुटी मिल रहा है, वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, उसका जो भी पैसा मिलेगा वो डायरेक्टली एग्जेम्प्ट होगा, उन भाई साहब को पैसा नहीं देना है। ठीक है, अभी हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से हटके आ गए, तो कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा एम्प्लॉइज रहेगा आपको? नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी प्राइवेट एम्प्लॉइज को बोला है कि किसी ने ये लॉ को मान के चला है और किसी ने ये लॉ को मान के नहीं चला है। तो जिन भाई साहब ने इन लॉ को नहीं माना है उन भाई साहब को टैक्स ज़्यादा देना पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप अगर ये लॉ मान के चलेंगे तो आपको डिडक्शन बाय एग्जम्पशन ज़्यादा मिलेगा, और आपने ये लॉ नहीं मानेंगे तो आपको एग्जम्पशन कम मिलेगा। आप कौन है? प्राइवेट एम्प्लॉई है, आप रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद आपको क्या मिल रहा है? ग्रेचुटी मिल रहा है। ग्रेचुटी में एग्जम्पशन का लिमिट क्या है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक दो तीन है आपका ऑप्शन, इन तीनों में से जितना भी अमाउंट क्या होगा कम होगा उसमें से आपको डिडक्शन उतना का ही मिलेगा। तो पहला अमाउंट कितना है? अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर्ड है तो आपको पहला 20 लाख मिलेगा, फिर ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव दोनों में सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? इस वाला में। आप हमको बताइएगा कि 15/26 करने से आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा या 15/30 करने से आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, किस में ज़्यादा आपको मिल रहा है? 26 वाला में। तो ये कौन है? पोगा का अंडर में कवर्ड है, और ये पोगा का अंडर में कवर्ड नहीं है। 15/30 मतलब क्या हो गया? हाफ, बाकी सब सेम है। लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लास्ट ड्रॉन सैलरी निकाल लीजिए आपको, जो भी होगा सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप 25 साल काम कर लिया, इनटू 15/26 कब होगा? अगर आप पोगा के अंडर में कवर्ड है। अगर आप पोगा में कवर्ड नहीं है तो आपको कितना मिलेगा? लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकालिए, फिर इनटू 15/30 या हाफ कर लीजिए, फिर इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया? 15/26 का समय 15/30 या हाफ आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, सैलरी का डेफिनेशन भी अलग अलग होगा। आपको क्या है कि यहाँ पे अगर कहीं पे भी आप लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, आपको एन्युटी मिल रहा है, आपको लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, ये सब चीज़ में क्या होगा, आपका सैलरी का डेफिनेशन हर एक चीज़ के लिए अलग होगा। तो यहाँ पे जब भी हम लोग सैलरी का कंट्रीब्यूशन करेंगे, पहले क्या था, लास्ट रोल सैलरी, तो पहले हम लोग को सैलरी लेना पड़ेगा। तो अपने हम लोग क्या सिखाया कि सैलरी में हम लोग को बेसिक्स भी आ जाएगा, बेसिक आ गया, वेजेस आ गया, फीस आ गया, कमीशन, परक्विजिट, अलाउंस सब आ गया। लेकिन जब हम इसका ग्रेचुटी का सैलरी कैलकुलेट करने जाएंगे तो ग्रेचुटी का सैलरी में खाली बेसिक प्लस डीए को लेना है, किसका? जब पोगा का अंडर में आप कवर्ड होगा तो आपको बेसिक प्लस डीए ही लेना है, इसमें बेसिक प्लस डीए लेना है, और इसमें क्या लेना है, बेसिक डीए और कमीशन को लेना है। इन भाई साहब को क्या कर दिया, टाइम का बेनिफिट इनको दे दिया, लेकिन इनको किसका बेनिफिट दे दिया, सैलरी का बेनिफिट दे दिया कि आप कवर्ड नहीं है लेकिन आपको क्या एग्जम्पशन थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, बस कम मिलेगा। तो बोला कि ठीक है आपको कम मिल सकता है, तब हम आपको सैलरी का अमाउंट ही ज़्यादा दे देते हैं, तब आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, तब आप पकड़ लीजिए आपने काम किया है
25 years and 7 months काम कर सकता है, 25 साल 7 महीना काम किया है, और आपका क्या है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। आप गवर्नमेंट का बात सुना है तो आपको 25 years 7 months पर 26 years बोल के माना जाएगा। आप गवर्नमेंट का बात नहीं सुना है, लो नहीं माना है, तो आपको 25 years ये चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा। कब? जब आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड नहीं है, और कवर्ड होगा तो इसका 26 कर दिया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज में आपको सैलरी देखना है और राउंडिंग ऑफ देखना है। ठीक है, ये नोट सब आप लोगों को नहीं लेना है, लीगल एयर है। लीगल एयर को क्या, आप मर गए, आपको ग्रेच्युटी मिलना था, आप मर गया है, आपका फैमिली को क्या मिला है, ग्रेच्युटी मिला है, तो जो भी ग्रेच्युटी आपका फैमिली को मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है कि आपने दो दो एम्प्लॉयर का पास में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर वन एम्प्लॉयर टू का पास में काम कर रहा है, इन दोनों से आपको क्या मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रहा है, इन दोनों से आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है। ग्रेच्युटी का लिमिट कितना था, 20 लाख। आपने एक जन से 10 लाख ले लिया और एक जन से 15, फिर से आपको 20 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, आपको वंस इन ए लाइफ टाइम क्या है, 20 का ही लिमिट मिलेगा। आपने 10 एम्प्लॉयर वन से एग्जॉस्ट कर लिया तो आपका बैलेंस कितना रहेगा, 10 लाख, तो आपको 15 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, 10 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर अगर आप कौन है, सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, सीजनल एस्टैब्लिशमेंट का कैसे हो गया, जैसे आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिसमें क्या होता है आपका सीजनल वाइज आपका काम चलता है, पूरा थ्रू आउट द ईयर आपका काम नहीं चलता है, तब आपको 15/26 वाला जो कैलकुलेशन था वहां पे 7/26 बोल के पकड़ना है। हाफ ऑफ द मंथ को कैसे पकड़ना है, 15/26 की जगह में 7/26 बोल के चलना है, और पीस रेट होने से 3 मंथ्स का एवरेज सैलरी आपको निकालना पड़ेगा। पीस रेट मतलब क्या हो गया, आप डेली जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है हाजिरा कर रहे हैं, तो हाजिरा सिस्टम में क्या होगा आपका 3 महीना का एवरेज सैलरी आपको निकालना है, फिर उसका बाद में आपको हो जाएगा। अभी आप लोग को प्रॉब्लम नंबर ये देखना है, अभी मिस्टर ए है, रिटायर हो गया इन डेट में, और उनका टाइम कितना हो गया, 25 years 6 months, मतलब अगर होगा में कवर्ड होगा तो 26 हो जाएगा, और नॉट कवर्ड होने से 25 years होगा। ठीक है, पैसा मिला कितना है, 15 लाख। अभी 15 लाख में से हम लोगों को क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग था, एक में कितना था, 15 मिलेगा, ग्रेच्युटी एक्चुअल ग्रेच्युटी में से 15 है, 20 है, और एक में 15/26 पकड़ना था, और एक में 15/30 पकड़ना था, तो वो वाला कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे। तो सैलरी कितना है, बेसिक कितना है उनका, 40, डियरनेस अलाउंस कितना है, 50। अभी डियरनेस अलाउंस में क्या बात आ जाता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट को आपको कंसिडर करना रहता है। यहाँ पे आपको देखना है कि रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, डीए जो भी मिल रहा है 60% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब क्या हो गया, 15,000 का 60% कितना होता है, 9,000, तो 9,000 ही आपका डीए बोल के कंसिडर करा जाएगा। इसमें आपको फिर से आपको ऊपर में आना है, यहाँ पे आपको देख रहा है कि किसको लेना है डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट को लेना है, पूरा पूरी डीए को नहीं लेना है। इसमें भी आपको किसको लेना है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट को ही लेना है, बाकी सबको नहीं लेना है। तो यहाँ पे 15,000 को हम लोगों को कंसिडर करना है या 9,000 को कंसिडर करना है, 9,000 को कंसिडर करना है। ठीक है, तो आपको कितना मिला, 40,000 बेसिक सैलरी है, 9,000 आपका डीए है, कमीशन है आपका, कमीशन है, कमीशन कितना है इसका, 1% कितना होता है, 1,20,000, 49,000,
इंटू 12 और इसका आपका 1% आ गया 1,20,000 हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना था कि पोगा का अंडर में कवर्ड होने से बेसिक प्लस डीए था, तो बेसिक प्लस डीए इज 49 × 12,000। लास्ट में आप लोगों का फॉर्मूला में क्या लिखा था, पहला वाला था कि एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, सेकंड में आपका 20 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट था, थर्ड में कितना था लास्ट ग्रोन सैलरी ऑफ 10 मंथ्स तो आपका नॉट पोगा में था। अगर ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड अगर होता है तो क्या था 15/26 × नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कितना है 26, अगर अभी हम लोग कवर्ड वाला देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 26। फिर क्या था लास्ट ग्रोन सैलरी तो लास्ट ग्रोन सैलरी कितना है उनका 49,000 है या ये है, इनको 49,000 को पकड़ना है या 12 को पकड़ना है, इनको 12 लास्ट ग्रोन सैलरी कितना है उनका 49,000 × 12 नहीं पकड़ना, तो पूरा साल का आ जाएगा। तो आपका 49,000 × 26 × 15 कितना था 26 था, उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके कितना निकल रहा होगा, अच्छा इसमें हम लोग को बोनस को पकड़ना था, बोनस को दोनों में ही पकड़ना नहीं था। ठीक है, ठीक है, 735 आपको मिल गया है, 20 लाख मिलना था वो हम लोग को, ठीक है हम लोग को मिला कितना है 15,000, बाकी हम लोग ने 735 निकाल दिया। समझ में आ गया। फिर अभी हम लोग ने, अभी तक वहाँ पे खत्म हो गया, अभी हम लोग कहाँ पे आएंगे, नॉट कवर्ड अंडर पोगा में आएंगे, उसमें हम लोग का सैलरी क्या होगा, पहले बेसिक को पकड़ना है, बेसिक कितना है 40, डियरनेस अलाउंस में भी रिटायरमेंट बेनिफिट को ही पकड़ना है, तो कितना हो गया 49,000, और फिर किसको पकड़ना था, कमीशन को पकड़ना था, कमीशन कितना है हम लोग का 1,20,000, तो आपको कितना मिला है 49, और 1,20,000 का कितना है आपको ये था, आपको कितना था 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी निकालना था, तो ये कितना साल का दिया है 12 मंथ्स का, तो उसको 1,20,000 को डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, आप लोग का निकल जाएगा। प्रॉब्लम हो रहा आप लोगों को तो बताइए, पहले बेसिक में तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं थी, फिर हम लोगों को क्या करना था 1% जो टर्नओवर है वो पूरा साल का दिया हुआ है, तो हम लोगों को 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकालना है, तो 10 मंथ का कितना होगा, अगर 12 मंथ का 1,20,000 होता है तो 10 महीना कितना होगा 1,00,000, तो कितना मिल गया हमको 1,49,000 इंटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस 25 पकड़ेंगे 25 पकड़ेंगे, फिर कितना पकड़ना था हम लोग को 15/20 या 15/30 15/30 कितना निकल रहा है आप लोग को 40,000 आपको मिल रहा है प्लस 9,000 मिल रहा है आप लोग को 49,000, इसमें भी कितना बोला था आपको 10 मंथ, तो आपको इंटू 10 करना पड़ेगा,
फिर बाद में क्या था आपका, प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 महीना, फिर और कुछ रहा नहीं है, इंटू इन सबको आप क्या कर दिया, इंटू कर दिया, फिर आपका कितना रहेगा, हाफ या 15/30, अब निकल रहा है कि नहीं, इसको पहले इंटू करिए, फिर 1,20,000, 1,00,000 होगा वो, कितना निकल रहा है आपका, 2,95,000 निकल रहा है आपका, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सेम 40 × 40,000, सेम आप लोग का उसमें भी 40,000 ही रहा होगा, प्लस ये 9,000 हुआ, कितना है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना है 25 था, तो 25 को पकड़ा था आप लोग, नहीं पकड़ा था, तो आपको 25 पकड़ना था, लास्ट एवरेज 10 मंथ का सैलरी था, ये आप लोग ने निकाल लिया 15/30, ये आपने निकाल दिया है, नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहीं पे गया था, नहीं गया था, इसमें आप लोग ने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पकड़ा था, इसमें क्या किया आप लोग ने, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को नहीं पकड़ा है, अभी करके देखिए, ठीक है, फिर थर्ड में कौन था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कुछ भी पैसा मिल जाता है तो वो क्या होना चाहिए, एग्जेम्प्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, इन तीनों में से 20,00,000, 15,00,000 और 7,35,000, तो एग्जेम्पशन कितना का मिला, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, 7,35,000, इन तीनों में से लोअर इतना था, और इन भाई साहब को तो पूरा पूरी मिलेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो टैक्सेबल कितना इन दोनों का हुआ, इन भाई साहब का नहीं होगा, ठीक है। अभी आप लोगों का पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 3 देखिए, 3 है, कौन है यहां पे, ओल्ड मैन है, काम कितना क्या है, 29 years and 6 months, इनको हम लोग अगर पोगा में अगर होता है तो 30 बोल के चलेंगे, और पोगा में नहीं होता तो 29 बोलने चले, ठीक है। फिर भाई साहब को अभी ग्रेच्युटी कितना मिला है, 4, और यहाँ पे लेस एग्जेम्पशन कितना होगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, पहला में क्या था, स्टेच्यूटरी कितना था आप लोग का लिमिट, 20,00,000 का, सेकंड में आपको पैसा कितना मिल रहा है ग्रेच्युटी रिसीव्ड में, 4,00,000, थर्ड में भी हम लोग को होगा या नॉन होगा वाला देखना है, ठीक है। फिर उनका भी पहले अभी हम लोग को सैलरी देखना है, तो अभी हम लोग सैलरी का कंपटीशन पहले करेंगे। सैलरी में क्या है, भाई साहब को अभी बेसिक कितना मिल रहा है, बेसिक को कंसीडर करना था या नहीं करना था, करना था बेसिक का, बाद में भी हम लोग को डीएफएस भी कितना मिल रहा है, ठीक है। फिर और क्या मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस को पकड़ना था नहीं पकड़ना था, कमीशन ऑन टर्नओवर को पकड़ना है, पकड़ना है, ठीक है। कमीशन ऑन टर्नओवर कितना है, 5,000, अभी ये जो 5,000 है, 5,000 आपको कितना में मिल रहा है, पूरा साल का है, हाँ नहीं है, इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे
22 से आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है भाई साहब को 1000 का। रिटायरमेंट कब हुआ था? 17/12/2022। तो प्रीवियस अगर हम लोग को 10 मंथ्स का सैलरी बोलता है तो 10 मंथ्स होने से कौन सा महीना जाएगा? 16/02/2021। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कब हुआ है? 1/4/22 को इंक्रीमेंट कब हुआ है? 1/4/22 को। तो उसका पहले उनका सैलरी क्या था? कम था, तो उनसे पहले इधर में कितना महीना आ गया आपको? 2 महीना। कितना महीना आएगा? 2 महीना। तो 2 महीना का सैलरी कितना होगा? 5000। बाकी सब रेस्ट में आपका 6000 बन गया है क्योंकि पहले उनका कम था। टर्नओवर एचीवमेंट ये हम लोग को नहीं चाहिए। कैलकुलेट ये हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से कुछ भी टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। सेकंड में कौन था? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर्ड है। तो मिनिमम आपको कितना मिलेगा? 15/26 कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, 30 × क्या था? सैलरी लास्ट ड्रोन सैलरी था, लास्ट ड्रोन सैलरी था। तो लास्ट ड्रोन सैलरी कितना है उनका? 7200। कितना होगा? कितना निकल रहा है? 15/26 × 30 × 7200 निकल रहा है वो वाला। तो तीनों में से लोअर कौन हो गया? 124615। इसका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो रह जाता है कितना रह गया था? 275385 उसका ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर आपका कौन सा रह गया था? ओवर का अंदर में कवर्ड नहीं हुआ। तो पहले आपको कौन सा महीना में आप रिटायर हुआ? 17/12/2022। तो आपको 17/11/2022 इस महीना को पकड़ना नहीं, आपको कौन सा प्रीवियस 10 मंथ्स को पकड़ना है। फिर 17/10/22 17/9/17 इसमें आपको कितना मिल रहा था? 6000 बेसिक। बेसिक में ही आप लोग का चेंज हो रहा था, पहले बेसिक को खत्म करिए आप लोग। यहाँ पे कितना महीना चला है? 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में 6, 5, 4 कितना हो? कितना महीना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ महीना आपका कितना सैलरी है? 6000। फिर बाकी 2 महीना के बाद कितना चल रहा है आपका? 5000। इसमें कितना हो गया? 48 और इसमें 10000 58000 आपका बेसिक सैलरी है। फिर आपका डीए कितना है? 1200 × 2 × 10 करने से 12000 आ गया। फिर बाद में आपका 5000 कितना था? 5000 इसको पूरा साल इंटू आपको कितना महीने का निकालना है? 10 मंथ्स का। कितना पड़ेगा? 5000/12 × 10 10 महीना का एवरेज सैलरी कितना निकलेगा? एवरेज कमीशन कितना निकलेगा?
166, ये अभी आपको क्या करना है, इंटू 10 करना है, इंटू 10 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 15 बाय 30, सैलरी पर मंथ कितना निकल रहा था आपको, यहाँ पे 3000 निकल रहा है। नहीं निकल रहा है यहाँ पे आपको कितना निकल रहा था, ये 6000 प्लस 7200, ठीक है, और फिर इसमें कितना निकल रहा था 5000 का, आपको 4166 4166 का आपको कितना निकल रहा है, कमीशन और टर्नओवर था ना, प्रॉफिट और टर्नओवर था आपको, कमीशन और टर्नओवर ही था, कमीशन और टर्नओवर आपको कितना मिल रहा है, 1%, 1% का ऑन प्रॉफिट 5000, आपका परसेंटेज में कितना मिल रहा है आपको 1% का, हाँ तो टर्नओवर कितना है आपका 1,00,000 पर मंथ, तो आपको 10 महीने में कितना होगा 10,000 होगा, तो 10,000 आपको अगर मिल रहा है, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, आपको बेसिक था, डीए का रिटायरमेंट बेनिफिट था, और आपका कमीशन का परसेंटेज ऑन टर्नओवर था, तो बेसिक आपका कितना है 6000 और प्लस 5000 वो अलग अलग था, ये आपका 1500 था, कमीशन ऑन टर्नओवर कितना है 1,00,000 है आपका, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1% कितना निकल रहा है आपका, नहीं होगा कौन सा डेली अलाउंस कर रहा है, डेली अलाउंस कहां पे बोल रहा है, करेक्ट, हां डेली अलाउंस कर रहा है, ठीक, टर्नओवर कितना होगा, इसमें कितना मिला आपको 6000 है, 1200 हो गया, यहां पे आपका कितना हो गया 200 हो गया, फिर आपका इधर पे कितना था 1,00,000 था, ये कितना महीने के लिए है आपका, पर मंथ है, आपको 10 महीने का निकलना है, तो 1,00,000 हो गया, 1,00,000 का 1% कितना होता है 10,000, ठीक है, तो 10,000 निकल गया आपका, 10,000 ये किसके लिए मिल रहा है, पूरा 10 महीने के लिए मिल रहा है, ये 1 महीने के लिए मिल रहा है, 10 महीने के लिए निकल रहा है, तो अभी हम लोग ये जो निकल रहा था वो किसके लिए निकल रहा था, ये जो निकल रहा था ये आप लोग का पूरा साल का निकल रहा था, ये पूरा साल का निकल रहा था ना, पूरा मंथ का निकल रहा था, ये आपका पर मंथ का है 6000, ये पर मंथ, ये भी आपको पर मंथ मिल रहा है, ये आपको पूरा साल का मिल रहा है, तो इसको आपको कहाँ पे लाना पड़ेगा, पर मंथ पे लाना पड़ेगा, पर मंथ में आपको मिलने से कितना मिल रहा है 1000 मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 8200, अभी 200 में से आपको कमेगा क्यों, क्योंकि आपका सैलरी कितना था 1000 से 5000 हुआ था, चलिए फिर से अभी हम लोग दिखा रखते हैं, पहले बेसिक में आपको प्रॉब्लम आया, बेसिक कितना था 6000 था, 1712 में आप रिटायर हुआ है, उस महीने का आपको सैलरी को नहीं देखना है, आपको इससे प्रीवियस 10 मंथ्स का सैलरी को देखना है, तो 1711 में आपने एक सैलरी मिला होगा, तो आपको बेसिक कितना मिला होगा 6000, 1710 को आपको मिला होगा एक 6000, ऐसा करके आपको कितना तक मिला होगा, आपको इंक्रीमेंट हुआ था 1/4 को, एक बार तो 1/4 को 22 आप पकड़ लीजिए, इधर पे कहाँ तक आएंगे लास्ट, तब इसका मतलब 1703 आएगा ना, कितना आएगा 1705, यहाँ तक आपको कितना मिल रहा है 6000, 5 से 6 आपको कितना महीना हुआ है, यहाँ पे 6 महीना हुआ है,
14 से 17.4 आपको सैलरी कितना मिल रहा है? 5,000 नहीं, 14 से तो आपका इंक्रीमेंट हुआ है, 14 से इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ है, 14 से आपको 17.5 तो आपको मिला कितने पार्ट में मिलेगा आपको, करेक्ट। आपको जो 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, आपका 31st तक 03/2022 तक आपको 5,000 मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर में आपको जब भी मिल रहा है पैसा तो आपको कितना मिल रहा है, 34 को आपको मिलेगा 6,000। आप रिटायरमेंट कितने कब में कर रहे हैं, 17.5 में। आपको तो पूरा महीना का जो भी सैलरी मिल रहा है ये आपको 34 को मिल रहा है। आपको यहाँ पे कितना दिन का रह गया था पैसा, कितना दिन का रह गया था, 15 दिन, 16 दिन, कितना दिन है इंक्रीमेंट, कितना दिन का आपको मिल रहा है, 16 डेज का, 16 डेज का मिला है। वन थाउजेंड कितना का मिला था आपको, कितना होता आपका 533। आपको और किस में मिला था, आपको और किस में नहीं मिला था, आपको बेसिक कितना था हम लोग का 6,000 था, प्लस हमको 1,200 मिल रहा था, और यहाँ पे कितना मिल रहा था, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है आपको, 1,000 किसका मिल रहा है, तो आपको कितना हो गया 8,200। लेकिन यहाँ पे क्या दे के रखा होगा, 8,000 दे के रखा था। ये जो 200 अभी मिल रहा है, ये 200 आप लोग का यहाँ से कम हो गया, अभी मान रहा है आप लोग का। अभी क्या करना है, ये वाला हम अभी नहीं करेंगे आपको, आप लोग को ये वाला करना है, बेसिक का जो भी निकल रहा है डिफरेंस। मतलब क्या था आपको, 14/2022 का पहले से आपको 5,000 मिल रहा है, तो 5,000 वाला सैलरी को आपको निकालना है। फिर 14/2022 का बाद में से आपको कितना मिला, 6,000 मिल रहा है। तो आपको जो भी था आपका ये इसमें कितना है, आप रिटायरमेंट वाला कितना में, इसका पहले वाला महीना कौन सा होगा, ये पार्ट पेमेंट आपको मिला है, ये जब भी हुआ था इसमें आपको कितना मिल रहा था, 6,000। आपको फिर से दिखा रहा हूँ, 17/12/2022 में आपने रिटायर किया है, इसका मंथ एंड कब का हो रहा है, 10 months को पकड़ना है, ठीक है। प्रीवियस 10 months को अगर आप पकड़ते हैं तो आपको कौन सा महीना तक आना है, आपको कितना महीना, इस महीना को छोड़ देना है, इस महीना को छोड़ने के बाद में आपको कौन सा महीना में तक आना है, फरवरी या मार्च, फरवरी तक आना है। तो फरवरी में आप पकड़ लीजिए, आप लोग का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, 6 months और 15 days काम किया है उसने, 15 days जो भी, तो आपको फरवरी में देना है। फरवरी का आपको कितना डेज मिला था, 28 या 29 डेज मिला था, 28/02 भाई साहब को 5,000 मिल रहा है, 31/03 5,000 मिल रहा है। फिर उसके बाद उसका उनका क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, 4 में उनको कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा। फिर 6 में 6,000, 7 में 6,000, 8 में 9 में भी क्या मिलेगा, 6,000, 10 में भी 6,000, 11 में भी 6,000। तो उनका एवरेज सैलरी कितना हुआ,
इसमें कितना महीना गया आपका? 6000 में कितना महीना गया? 8 महीना। इसमें कितना गया? 2 महीना। तो 6000 इंटू 10 और 5000 इंटू 2 करने का बाद में आपको कितना निकल रहा था? 10000। और इसमें 48000। 48 और आपका 10 58000। तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे आप? 10 करेंगे। कितना निकलेगा आपका? 5800। 1200 आपका डियरनेस अलाउंस और प्लस 1000 आपका ये कितना होगा? 8000 नहीं मिला? ठीक है, आपको पहले सबका निकलना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, तब मिलने से क्या मिलेगा? एवरेज 10 मंथ का सैलरी ये निकल गया है। इसको आपने कन्वर्ट किया है 1,00,000 इंटू 10 फिर इंटू 1% करने के बाद में ये निकला है। फिर उसका बाद में आपको ये निकला है। फिर आपको अभी करना क्या था? हाफ इंटू 8000 इंटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस कितना था? 25 या 26 था? 25 था। होगा होने से हम उसको राउंड अप करेंगे और अदरवाइज राउंड ऑफ नहीं करेंगे। कितना निकलेगा? सेम उतना ही निकलना चाहिए आपका, 4,00,000 निकल रहा है। 29 था ना? 29 था। ठीक है, प्रॉब्लम है अभी? रिटायरमेंट कब हुआ है? 10-12 को। तब तक वो कौन था? मिसेस एक्स क्या था? जिंदा अलाइव था या मर गया था? जिंदा था। रिटायरमेंट का बाद में उनको क्या मिलना था? ग्रेच्युटी मिलना था।
तो ये जो भी पैसा मिल रहेगा अभी लीगल हेयर को जो भी पैसा मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर मरने का बाद में अगर ग्रेचुटी मिलता तब जाके नहीं लगता, इसमें अभी टैक्स लगेगा। फिर आपका भी क्या करना है, सेम 20 लाख, फिर आपको पैसा कितना मिला है ग्रेचुटी में, कितना मिला है 4 लाख। फिर होगा में कवर्ड होगा तो कितना होगा, 15/26 इंटू बेसिक सैलरी कितना होगा 8000, क्योंकि बेसिक प्लस डीए है। फिर आपका 31 हो जाएगा ये, क्यों हुआ, क्योंकि ये पोगा के अंदर में कवर्ड है। ठीक है, अभी ये लास्ट क्या देखेंगे, हम लोग लीव एंगेजमेंट देखेंगे। लीव एंगेजमेंट क्या है, आपने कोई भी एक एम्प्लॉय का पास में क्या कर रहे, काम कर रहे, और आपको क्या मिल रहा है, एवरी ईयर पकड़ लीजिए आपको 12 डेज का लीव मिल रहा है, और आपने इस 12 डेज का लीव को नहीं क्लेम किया है, मतलब क्या आपने पूरा साल काम किया है, 12 डेज भी जो लीव आपको मैंडेटरी मिल रहा था उसमें भी आपने ऑफिस में आके काम किया है, तो इस जो लीव मिलता है लीव का अगेंस्ट में आपको क्या मिलता है, पर डे का जितना भी आपको सैलरी मिलना चाहिए वो पैसा आपको मिलना चाहिए। अभी रिटायरमेंट का टाइम में क्या हो गया, मैंने ये सब पैसा जमा करके रखा था, पहला साल में 12 दिन का आपको सैलरी आपने रख दिया, फिर नेक्स्ट ईयर आपने 10 दिन का सैलरी को क्लेम नहीं किया है, ऐसा ऐसा करके आपने रिटायरमेंट में पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपने 400 दिन का सैलरी आपने अनक्लेम करके रख दिया। जब आप रिटायर होते हैं रिटायरमेंट का टाइम, ये 400 दिन का जो भी सैलरी होता है उसमें आपको क्या बोलिए कि आप एनकैश कर लीजिए, तो आपको जितना भी सैलरी मिल रहा था पकड़ लीजिए 1000 पर डे के बोल के आपको सैलरी मिल रहा है, तो आपको पैसा कितना मिलेगा 4 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी आपका कर दिया ड्यूरिंग द सर्विस, आप रिटायरमेंट का पहले ही सर्विस का टाइम में ही आपने लीव एनकैशमेंट कर दिया तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आप कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने से फुल्ली एग्जेम्प्ट टैक्स नहीं लगेगा। फिर आप कौन है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई होने से क्या था, इन चार कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा। पहला कौन सा है कि आपको लिमिट मिलेगा 3 लाख तक का ही एग्जम्पशन मिलेगा, ग्रेचुटी में कितना था 20 लाख था, अभी आपको लीव एंगेजमेंट में कितना मिल रहा है 3 लाख, ये जो 25 लाख हुआ है वो आपका 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है, जो आप लोग को देखना नहीं है, आप लोगों को कौन सा देखना है खाली 3 लाख देना। तो पहला था 3 लाख, फिर एक्चुअल ग्रेचुटी रिसिप्ट या लीव एंगेजमेंट रिसिप्ट, लीव एंगेजमेंट रिसिप्ट। फिर क्या था, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी निकालना था। अभी 10 मंथ्स में क्या आ गया कि आपको कोई भी साल में आपको मिनिमम या मैक्सिमम क्या है 30 डेज का ही लीव अलाउड है। अगर आप क्या कर दिया, कोई भी साल में अगर आपका लीव 36 है तो आपको लीव कितना मिलेगा, 30 डेज का ही लीव मिलेगा। ठीक है, पहला आपको 3 लाख निकालना है, फिर एक्चुअल सैलरी जितना मिल रहा है वो निकालना है, फिर 10 मंथ्स का सैलरी निकालना है, फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको 30 डेज इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, आप 25 साल काम किया है इंटू कर दिया, एक साल में आपको लीव मैक्सिमम अलाउड कितना है 30 डेज का, इंटू करके जितना भी मिला कैलकुलेट करिए उसको, फिर आपने कितना सैलरी क्या लीव सैलरी क्या करते क्लेम कर दिया है, आपने मान लीजिए 200 सैलरी लीव सैलरी आपने क्लेम करके रखा हुआ है, अनक्लेम जितना सैलरी लीव सैलरी बच जाएगा उसका ऊपर आपको पैसा मिलेगा। इन चारों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर बाद में इन चारों में से जो भी लिस्ट होगा उसका ऊपर आपको एग्जेम्प्शन मिल जाएगा। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, ये वाला जो भी सम है आपको, ये वाला सम आपको घर पे ट्राई करना है, और उसका ऊपर वाला सेक्शन 10 AA वाला आप लोगों को ट्राई करना है।